नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो कल मुंबई में बम की अफवाह से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में एक जबरदस्त हड़कंप मच गया था। दरअसल दोस्तों, हुआ यूं था कि नागपुर पुलिस के पास किसी का फोन आया था, एक अननोन नंबर से फोन आया था, और उसमें ये धमकी दी गई थी। और ये बताया गया था कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलेब्स है, उनके घर के बाहर, उनके निवास स्थान के बाहर बम रख दिए गए हैं, और वो कभी भी ब्लास्ट ब्लास्ट हो सकते हैं। इस तरह की कुछ खबरें नागपुर पुलिस के पास, इस तरह के कॉल्स उनके पास आए थे। और दोस्तों, वे तुरंत अलर्ट हो गए, उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत ही मुंबई पुलिस को दी। और साथ ही दोस्तों, जो जो कॉल आया था, उसने ये भी कहा कि ये जो बम रखे गए हैं, वो लीजेंडरी एक्टर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन तथा एक और लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के घर के बाहर रखे गए हैं, ऐसी खबरें आई थी। अब दोस्तों, आप जानते हैं अमिताभ बच्चन की मुंबई में शायद पांच घर है, पांच उनके निवास स्थान है, जिसमें एक जलसा है, प्रतीक्षा है, और धर्मेंद्र का भी जू में एक निवास स्थान है। तो दोस्तों, जल्दी ही पुलिस अलर्ट में आ गई। मुंबई पुलिस को जैसे इसकी जानकारी मिली, तुरंत वहां जाकर के उन्होंने आनन फानन में पूरी तरह से चेकिंग की, जांच वगैरह की। लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोई बम वहां पे मिला नहीं, और ये अफवाह ही निकली। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने घर के बाहर आते हैं और अपने प्रशंसकों से मिलते हैं, तो एक चिंता बढ़ाने वाली खबर जरूर थी। सभी लोग अलर्ट में आ गए थे, बॉलीवुड में भी एक तरीके से अड़कंप सा मच गया था कि क्या ऐसा क्या हो गया है, किसने रखा है, क्या रखा है, क्यों। तो कई तरह की अफरातफरी के बाद में जब पुलिस ने पूरी अपनी जांच पड़ताल की, तो उन्होंने पाया कि वहां पे ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई बम वगैरह वहां नहीं पाया गया। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर किसने कॉल किया और क्यों किया और किस प्रकार से ये अफवाह फैलाई गई, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग जारी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।